तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्चुअली में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी तब जाके हम ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं आज इस लेक्चर में जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो क्वेश्चन तब जाके आपसे बनेंगे जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का असली मतलब सीखेंगे जो हम ऑलरेडी क्लास नाइन्थ में सीख चुके हैं क्लास नाइन्थ में आपने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर कर ली थी लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई आपने उस चीज को रिवाइज नहीं किया आपने उस चीज़ को समझा नहीं तो मैं आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन समझाऊंगा तब जाके आपके लिए क्लास टेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आज मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला की लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना है तो समझते हैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री अब कोऑर्डिनेट क्या होता है कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होता एक टू डायमेंशनल फिगर में या मैं कहूं एक टू डायमेंशनल प्लेन पर <coughs> मान लीजिए मैंने बोर्ड को प्लेन मान लिया है तो हम क्लास नाइन में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारे अगर ये बोर्ड हमारा टू डायमेंशनल प्लेन है तो ये वाली एक्सिस को हम क्या कहते हैं बेटा इस एक्सेस को हम बोलते हैं एक्स एस सिक्स क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं और वाई को ये वाली एक्सेस को बोलते हैं वाई एक्सेस ठीक है ना लेकिन इन दोनों के नाम थे इसको बोलते थे एप्सिसा और इसको बोलते थे ऑर्डिनेट है ना अब ये जो प्लेन है ये जो प्लेन है ये चार भागों में डिवाइड हो गया इन चार भागों को हमने बोला पहला क्वाड्रेंट फिर ये बोला दूसरा भाग यानी दूसरा क्वाड्रेंट ये है तीसरा क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है ना अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल के अंदर पता चलता है आपको क्वाड्रेंट का मतलब जब हम एक सर्कल को चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो चौथा जो एक हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है क्वाड मतलब चार तो चार इक्वल हिस्सों का पहला हिस्सा जो है वो क्वाड्रेंट बोलेंगे तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट और ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट तो ऐसे हमारा जो प्लेन था टू डायमेंशनल प्लेन था वो डिवाइड हो चुका था क्वाड्रेंट्स में ठीक है ना में डिवाइड हो चुका था क्वाड्रेंट में डिवाइड हो चुका था फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम इस पे जहां पर दो लाइंस या दो हमारी इमेजनरी लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई साहब ओरिजिन क्या बोलते हैं ओरिजिन ओरिजिन जो होता है वो जहां पर हमारी और ऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट इंटरसेट करती हैं उसको हम क्या बोलते थे ओरिजिन बहुत बढ़िया अब यहां पर एक नंबर लाइन ऐसी है तो एक नंबर लाइन ऐसी है, तो हमने कर दिया वन ये कर दिया टू ये कर दिया थ्री ये कर दिया फोर ये कर दिया फाइव ये कर दिया सिक्स यहाँ पर कर दिया माइनस वन यहाँ पर कर दिया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव में वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इस हिसाब से हमारे चार डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स बन जाते थे कॉर्ड्रेंट्स बन जाते थे सॉरी कोर्डिनेट नहीं कॉर्डनेंट्स बन जाते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो आप इस एरिया में जो भी नंबर आएगा इस एरिया में जो भी नंबर अब एक्चुअली नंबर कुछ नहीं है ये ये जो टू डायमेंशनल फिगर हमारा जो बना है इसी को हम बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या बोलते हैं बेटा इसको कार्टेशियन प्लेन जिस कार्टेशियन प्लेन पर अगर कोई पॉइंट मुझे रखना है मान लीजिए मैंने ये पॉइंट बनाया क्या बनाया पॉइंट तो अगर इसकी लोकेशन ढूंढना है अगर मुझे इसकी लोकेशन ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा एक्स में जाऊंगा चार वाई में जाऊंगा दो तो क्या होगा चार कॉमा दो ये चार कॉमा दो क्या है एक्चुअली में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है चार कॉमा दो क्या है कोऑर्डिनेट और इसी की ज्योमेट्री आपको समझनी है शेप और साइज कैसा बनेगा इसी में हम ट्राइंगल बना लेंगे इसी में हम लाइन बना लेंगे इसी में हम स्क्वायर बना लेंगे इसी में सर्कल भी बना लेंगे तो इसी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको सीखनी है कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कार्टिशन प्लेन क्या बोलते हैं लोकेशन ऑन लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कार्टिशन प्लेन और कार्टिशन प्लेन कुछ नहीं होता टू डायमेंशनल फिगर होता है जिसको हम चार भागों में डिवाइड किए हैं विद द हेल्प ऑफ टू एक्सेस जिसका नाम है एप्सिसा और एक का नाम है ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट को हम बोलते हैं वाई एक्सेस एप्सिसा को हम बोलते हैं एक्स एक्सेस इसका नेगेटिव भी होता है एक्स एक्सिस इसका पॉजिटिव भी होता है वाई एक्सिस का और नेगेटिव भी होता है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव भी, भी होता है और नेगेटिव भी होता है पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं एप्सिसा और इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं ये इस तरफ आगे प्लस इन्फिनिटी आगे बढ़ता है ये माइनस इन्फिनिटी आगे बढ़ता है ये भी प्लस इन्फिनिटी आगे बढ़ता है और ये भी माइनस इन्फिटी नीचे की तरफ आगे बढ़ता है ठीक है अब मैंने कहा इस पॉइंट का लोकेशन क्या है तो इस पॉइंट का लोकेशन है माइनस सॉरी फोर कॉमा टू कैसा होगा फोर कॉमा टू क्यों क्योंकि एक्स में फोर गए और वाई में कितना गए टू अगर मुझे इस पॉइंट का लोकेशन ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा एक्स में कितना गए माइनस थ्री और वाई में कितना गए टू ऐसे ही मुझे यहां पर ये पॉइंट है तो इसका ढूंढना है तो एक्स में कितना गए माइनस फोर वाई में भी कितना का है माइनस फोर तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोकेशन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है लोकेशन कि वो कार्टेशियन प्लेन पर कहां लोकेटेड है ठीक है तो ये क्लास नाइन्थ में इतना हमने सीख लिया था कि हमें कहा किस पॉइंट को लोकेट करना है तो ऐसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी एक्स और वाई पहले एक्स लिखेंगे फिर बाद में वाई लिखेंगे ध्यान रखना पहले क्या लिखेंगे एक्स बाद में क्या लिखेंगे वाई और दोनों ही कैसे होते हैं पॉजिटिव कैसे होते हैं दोनों ही पॉजिटिव होते हैं अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि x जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है x जो है वो नेगेटिव हो जाता है और y कैसा रहता है पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है x तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है मैं ध्यान रखना पहले हमेशा किसको लिखना है x को और फिर किसको लिखना है y को इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x और y दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं यानी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव तो दोनों ही माइनस और माइनस साइन के साथ चलते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव हो जाता है और y कैसा रह जाता है बेटा नेगेटिव तो x पॉजिटिव y नेगेटिव तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा ठीक है ना अब हमारे पॉइंट की लोकेशन आ गई है तो बस उसी लोकेशन के साथ खेलना है और उसी लोकेशन में हमें दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है अब आप बोलोगे सर दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या होता है मान लीजिए हमारे पास ये हो गई ऑर्डिनेट और ये हो गई एफ ठीक है अब अगर बात करें तो यहां पर यह जो हो जाता है इसको क्या बोलते हैं बेटा ओरिजिन अब यह हो गया वन यह हो गया टू यह हो गया थ्री ये हो गया फोर यह हो गया फाइव ऐसे ही इधर आ गया माइनस वन यह आ गया माइनस टू यह आ गया माइनस थ्री यह आ गया माइनस फोर यह आ गया माइनस फाइव ऊपर की तरफ जाओ तो यह हो जाएगा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और नीचे की तरफ जाओ तो माइनस वन माइनस टू सब इक्वी डिस्टेंस होते हैं तो मैंने कोई ऐसा मेजर करके नहीं बनाया मैं फ्री हैंड बना रहा हूं इक्वी डिस्टेंस बनाओगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा अब सीन ये है कि मान लीजिए एक पॉइंट है वन कॉमा सॉरी टू कॉमा वन कौन सी कोऑर्डिनेट कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और माइनस थ्री कॉमा माइनस वन थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस थ्री कॉमा माइनस वन माइनस थ्री कॉमा माइनस वन कहाँ आएगा माइनस थ्री कॉमा माइनस वन थर्ड आएगा। अब किसी ने पूछ लिया इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है तो अब हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे किसकी कोऑर्डिनेट की, की ज्योमेट्री और यहीं से इस चैप्टर की सारी एप्लीकेशन इस्तेमाल हो जाती है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से किससे डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या अगर डिस्टेंस फार्मूला पता है तो आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आराम से इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं ठीक है तो फार्मूला कुछ इस प्रकार का कि मान लीजिए अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना यानी ए बी की लेंथ निकालनी है तो फार्मूला बनता है अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर क्या बोला मैंने एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर का रूट अभी कैसे फॉर्मूला आया है वो मैं समझाने जा रहा हूं तो मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लेन है कार्टिशन प्लेन है ठीक है ना ये रहा वो कार्टिशन प्लेन और ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है ये दो पॉइंट मेरे पास है मैंने माना है मैंने लेट किया है कि मेरे पास एक पॉइंट ये है तो इस पॉइंट को मैंने दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी दो पॉइंट है मेरे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है मतलब अल्टीमेटली मुझे ये डिस्टेंस निकालना है ठीक है ना इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या निकालना है ये तो अब मान लीजिए कि ओरिजिन से ये ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है एक्स वन वाई वन और ये कितना है एक्स टू वाई टू मतलब ऐसे में एक्स वन ऐसे में वाई वन तो इतना चलेंगे तो कितना आएगा एक्स वन और इतना चलेंगे तो कितना आएगा वाई वन फिर इतना चलेंगे तो कितना आएगा एक्स टू और इतना चलेंगे तो कितना आएगा वाई टू समझ में आ गया तो ऐसे मेरे पास कोऑर्डिनेट दो आ गए कौन कौन से दो पॉइंट्स आ गए उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स वन वाई वन और एक का है एक्स टू वाई टू अल्टीमेटली मुझे इन दोनों के बीच का यह वाला डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकलेगा वो ध्यान से देखो सबसे पहले तो मुझे इसको पैरल यहां से खींच दिया एक लाइन तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जरा बताओ अगर ये x2 है ये x1 है तो ये कितना हो जाएगा x2 टू माइनस एक्स वन बोलो हाँ या ना हो जाएगा और ये डिस्टेंस कितना है x y2 और ये डिस्टेंस कितना है y1 तो बेटा ये ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड ये वाली साइड कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ ये हो जाएगी y2 टू माइनस फिर से ध्यान से देखो एक बार और समझ लो मेरे पास एक ग्राफ है इसको मैं बोलता हूं कार्टिशन प्लेन जहां पर मेरे पास यह है एक्स एक्सिस और यह है मेरे पास वाई एक्सिस ठीक है ना एक्स एक्सिस का नाम कुछ भी हो मैंने यहां पर एक्स एक्सिस लिख दिया पॉजिटिव में इधर नेगेटिव है अब मैंने एक पॉइंट ले लिया ये और एक पॉइंट ले लिया यह मैं कुछ भी ले सकता था मैंने मैंने रैंडमली दो पॉइंट उठा लिया इस पॉइंट का नाम मैंने कहा ए और इस पॉइंट का नाम मैंने कहा बी ठीक है कोई बात नहीं अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो मैंने मान लिया एक्स वन वाई वन है और इस पॉइंट का नाम क्या है एक्स टू वाई टू ठीक है ना क्लियर अब यहां से अगर मैं कहूं एक्स वन तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा एक्स वन बोलो हाँ ना तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स वन और यहां से यहां तक की लेंथ अगर मैं कहूं ये लेंथ तो ये कितनी हो जाएगी वाई वन तब जाके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं एक्स वन वाई वन ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहां से मेरे पास आता है एक्स टू और यहां से यहां तक मेरे पास जो आता है वो क्या आता है वाई टू बोलो हाँ ना ठीक है ये लेंथ कितनी है एक्स टू और ये लेंथ कितनी है वाई टू ये लेंथ कितनी है एक्स वन ये लेंथ कितनी है वाई वन हाँ मुझे अल्टीमेटली ये डिस्टेंस निकालना है जो मैं एक्चुअली मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ ये डिस्टेंस मुझे निकालना है इन दोनों के बीच का ठीक है ना तो एक काम करते हैं इसका कलर चेंज करके इसको येल्लो कर देते हैं ताकि और उभर के लिखे तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है येल्लो कलर का ठीक है अब कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले मैं इसका एक ट्राइंगल बना लूंगा पहले यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी जो लेंथ ये होगी इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इस लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा मैं एक्स टू में से एक्स वन माइनस तो क्या बचेगा मेरे पास एक्स टू माइनस एक्स वन जो कि इस लेंथ के बराबर होगा इस लेंथ के बराबर होगा जो कि ये लेंथ होगी एक्स टू माइनस एक्स वन बोलो हाँ या ना है ना अरे एक्स टू में से अगर एक्स वन जाएगा तो कितना बचेगा एक्स टू माइनस एक्स वन बचेगा अब ऐसे ये पूरा वाई टू है ये वाई वन है तो ये लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी y2 टू माइनस वाई वन क्लियर अब मैंने इस ट्राइंगल को निकाल दिया और यहां से देख रहा हूँ मैं ये लेंथ है एक्स टू माइनस एक्स वन और यह लेंथ है वाई टू माइनस वाई वन बोलो हाँ ना यह लेंथ है एक्स टू माइनस एक्स वन और यह लेंथ है वाई टू माइनस वाई वन और मुझे निकालना है ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये डिस्टेंस निकालना है अल्टीमेटली ये परपेंडिकुलर है ये सबको पता है इसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बोलो हाँ है ना बन गया बहुत शानदार अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया इसका मतलब क्या है कि मुझे थ्योरम लगानी है तो थ्योरम से ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा जल्दी बताओ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर के बराबर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट लगा दो यहाँ पर हटाओगे तो ए तो बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर और यहां से मेरे पास एक बेहतरीन सा फार्मूला निकल के सामने आता है जिसको मैं बोलता हूं कौन सा फार्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला इसको मैं बोलता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोलता हूं डिस्टेंस फार्मूला इसी का नाम पड़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला यही है डिस्टेंस फॉर्मूला अब इसकी एप्लीकेशन बहुत शानदार है जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ना इसकी एप्लीकेशन पे अगर आपने वर्क कर लिया तो मजा आ जाएगा गारंटी है कि मजा आ जाएगा ध्यान से देखो सबसे पहला क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट तो मेरे पास एक पॉइंट ए बी है और एक है माइनस ए कॉमा माइनस बी तो एक काम करते हैं एक पॉइंट ये मान लेते हैं ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉमा बी और एक पॉइंट मान लेते हैं बी कॉम बी जिसका है माइनस ए कॉमा माइनस बी इसका मतलब ये क्या हो गया एक्स वन वाई वन ये क्या हो गया एक्स टू वाई टू तो ये हो गया एक्स वन वाई वन और यह हो गया एक्स टू वाई टू बोलो हाँ ना ठीक है ना तो x1 y1 की वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ x2 टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई का स्क्वायर यस और नो हो जाएगा बहुत बढ़िया तो x2 टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई का स्क्वायर यहां से x1 की वैल्यू पुट कर दो और x2 की वैल्यू पुट कर दो y1 की वैल्यू पुट कर दो y2 की वैल्यू पुट कर दो चलो बताओ x2 कितना है x2 कितना है माइनस ए एक्स टू कितना है माइनस ए एक्स वन कितना है ए लेकिन साथ में माइनस साइन है तो लगा दिया माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है माइनस ऑफ बी और फॉर्मूले का माइनस और वाई वन कितना है बी और उसका होल स्क्वायर यस और नो अब यहां से मैं लगा दूंगा अंडर रूट में माइनस ए माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए प्लस ए टू ए और आंसर आएगा माइनस का टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस बी प्लस बी टू बी तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ टू बी का होल स्क्वायर बोलो हाँ ना इतना क्लियर हो गई पिक्चर माइनस का भी स्क्वायर होगा टू का भी स्क्वायर होगा और ए का भी स्क्वायर होगा क्यों क्योंकि तीनों का किसी का फोन आ रहा है तो उठा लो लगा के बात कर लो उनसे तो माइनस टू माइनस का भी स्क्वायर होगा टू का भी स्क्वायर होगा और किसका भी स्क्वायर होगा ए का भी होगा। तो माइनस इन टू माइनस कितना प्लस तो माइनस बिकम प्लस टू बिकम्स फोर ए स्क्वायर तो अंडर रूट में आंसर आएगा फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर क्लियर इन दोनों में से फोर कॉमन अंदर ही ब्रैकेट लगा के फोर कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फोर में से टू बाहर टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र विल बीक्वल टू देंथ ऑफ ए बी एंड यू कैन बी ईजली डिटरमाइन द लेंथ ऑफ टू डिस्टेंस या टू पॉइंट एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये ईजिली हम निकाल सकते हैं किस किस का आ गया था आंसर आ गया था सही आंसर आया इसके बाद ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है तो एक और पॉइंट है ए जिसकी लेंथ जिसके कोऑर्डिनेट क्या है माइनस फाइव कॉमा सेवन माइनस फाइव कॉमा सेवन और बी पॉइंट जिसके जिसके कोऑर्डिनेट क्या है माइनस वन कॉमा माइनस वन कामा थ्री अब ये ग्राफ पर कहीं पर भी हो सकते हैं ना हम अगर एग्जैक्टली exactly ग्राफ पर बनाएं तो ये बन सकते हैं देखो कैसे मैंने ग्राफ लिया माइनस फाइव कॉमा सेवन माइनस फाइव कॉमा सेवन तो माइनस फाइव इधर आएगा और सेवन ऊपर जाएगा तो ये यह यहाँ कहीं बनेगा ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस फाइव कॉमा सेवन और एक है बी माइनस वन कॉमा थ्री तो माइनस वन कॉमा थ्री यहाँ कहीं आ जाएगा ये आ गया माइनस वन कॉमा थ्री माइनस वन थ्री ये हो गया बी पॉइंट अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये हो गया एक्स वन वाई वन और ये हो गया एक्स टू वाई टू बस आप लगा दो फॉर्मूला कौन सा ए बी का लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर लगा दो बस इज़ी है बहुत आसान है सिंपलेस्ट सवाल आपके लिए ये रहा देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर तो एक्स टू माइनस एक्स टू की वैल्यू कितनी है माइनस वन तो ये आ गया फॉर्मूले का माइनस नहीं है यहां पर एक्स टू की वैल्यू माइनस वन है फिर फॉर्मूले का माइनस और एक्स एक्स टू की वैल्यू कितनी जल्दी बताओ सॉरी सॉरी एक्स टू तो की वैल्यू माइनस वन है एक्स वन की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव तो यहां पर ब्रैकेट लगा के माइनस फाइव क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे हैं और फिर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर बीच में क्या आ गया प्लस y2 की वैल्यू कितनी जल्दी बताओ थ्री और माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है सेवन का होल स्क्वायर यहाँ से फार्मूला सॉल्प हो जाएगा आप ध्यान से देखो बस मेरे को मैथ लगानी यहाँ पर कैलकुलेशन करना है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन माइनस माइनस प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस सेवन कितना हो जाएगा माइनस फोर का होल स्क्वायर तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा जल्दी बताओ माइनस प्लस माइनस फोर और ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर लिख दो अब फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन और माइनस फोर का स्क्वायर भी सिक्सटीन आएगा क्यों सर माइनस का भी स्क्वायर होगा माइनस इंटू माइनस प्लस तो हो गया सवाल हलवा ए बी इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस फोर का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर भी सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू यानी आंसर आएगा फोर रूट टू अब आप बोलोगे सर कैसे 32 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लो ये हो जाएगा टू सिक्सटीन जा फोर फोर जा फोर बाहर 2 अंदर है क्या तो फोर रूट टू और ए बी की जो लेंथ आ जाएगी वो फोर रूट टू यूनिट्स अब यूनिट्स में क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर भी हो सकती है और मीटर भी हो सकती है और किलोमीटर भी हो सकती है तो हमको पता ही नहीं था तो हमने क्या लिख दिया सिर्फ यूनिट्स अगला सवाल अगला सवाल है डिटरमाइंड फाइव टू कॉमा थ्री एंड माइनस टू कॉमा माइनस इलेवन क्या बोल रहा हूं फाइव टू कॉमा थ्री एंड माइनस टू कॉमा माइनस इलेवन आर कोलिनियर तो यह तीन पॉइंट है जिनका हमें क्या निकालना है कि यह तीनों कोलिनियर होंगे हा या ना अब कोलिनियर का मतलब अगर आप समझ जाओ तो आप सवाल को बिल्कुल निपटा सकते हो क्या बोल रहा हूँ मैं अगर आप कोलिनियर का मतलब समझ जाओगे तो आप सवाल खत्म कर सकते हो तो मैंने माना कि यह पॉइंट का नाम है ए इस पॉइंट का नाम है बी और इस पॉइंट का नाम है सी ठीक है अब ये कोलिनियर है या नहीं यानी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आना चाहिए तो ये एक लाइन है तो एक पॉइंट हो गया चलो माइनस वन फाइव और एक पॉइंट हो गया टू कामा थ्री और एक पॉइंट हो गया माइनस टू माइनस इलेवन अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस फार्मूले से कैसे करें कोई बता पाएगा डिस्टेंस फार्मूले से हाँ हमें एक्चुअली में क्या करना गुड समझ में आ गया मुझे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और किन्हीं दो डिस्टेंसेस को ऐड कर कर किसके बराबर लाना पड़ेगा तीसरे डिस्टेंस के बराबर अगर दो डिस्टेंस को ऐड करके मैं तीसरे के बराबर लेके आ गया तो इसका मतलब क्या है कि देखो इन दोनों का सम किसके बराबर है तीसरे के बराबर है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर चलो निकालते हैं पहले ए बी निकालना है फिर बी सी निकालना है और फिर सी ए निकालना है चलो जल्दी बताओ ए बी के लिए एक्स टू माइनस एक्स वन तो टू माइनस वन कितना हो गया टू माइनस वन कितना हो गया वन वन का स्क्वायर थ्री माइनस फाइव माइनस टू माइनस टू का स्क्वायर फोर तो वन का स्क्वायर कितना हो गया तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ फाइव बोलो या हाँ ना. ठीक है फिर इसके बाद बी सी निकाल लो तो माइनस टू माइनस टू कितना हो गया माइनस फोर माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन तो अंडर रूट ऑफ कितना हो गया सिक्सटीन बीच में क्या हो गया प्लस माइनस इलेवन माइनस थ्री कितना हो गया माइनस फोर्टीन माइनस फोर्टीन का स्क्वायर माइनस वन सिक्स गया वन नाइन्टी सिक्स और सिक्सटीन प्लस वन सिक्स कितना होगा जल्दी बताओ पक्का टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व पक्का टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व यूनिट्स हो गया टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व हो गया रूट फाइव यूनिट्स अब तीसरा निकालना है अंडर रूट ऑफ किन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो माइनस टू कॉमा माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर यानी नाइन प्लस माइनस इलेवन माइनस फाइव माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर टू फिफ्टी सिक्स हाँ भाई माइनस फाइव माइनस इलेवन माइनस फाइव कितना हो गया माइनस सिक्सटीन सिक्सटीन का स्क्वायर टू फिफ्टी सिक्स होता है ना टू फिफ्टी सिक्स अब यहां से निकाल लो दोनों के बीच का सम, सम कर दो टू फिफ्टी सिक्स प्लस नाइन टू सिक्सटी फाइव तो अंडर रूट ऑफ टू सिक्सटी फाइव यूनिट्स अब यार ये सबसे बड़ा है तो इन दोनों को प्लस करने पर ये आना चाहिए तो अंडर रूट ऑफ टू सिक्सटी फाइव क्या बराबर होगा अंडर रूट ऑफ टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव बराबर होगा कभी मुझे नहीं लगता इसका मतलब दे आर नॉट तो डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट तो आप क्या लिखोगे ट या मैं लिख सकता हूं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या बोलूंगा मैं दीज थ्री पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एक तो आप ऐसे भी कर सकते थे और एक ग्राफिकल मेथड भी होता है आप तीनों को ग्राफ पे उतार कर भी चेक कर सकते थे कि ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं या नहीं लेकिन हमें डिस्टेंस फार्मूला से ही करना है अगर उनने बोल दिया शो दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट Then you have to show. Show मतलब ग्राफ पे बनाना पड़ेगा ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत आसान है आपको कोई से भी एक क्वेश्चन को समझना है और दूसरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा नेम द टाइप ऑफ कॉर्डिलेटर अगर कोई है क्वारेटर तो बनेगा लेकिन क्या कोई सा क्वारेटर ऐसा बन रहा है जो कि स्पेशल क्वारिलेटर है तो स्पेशल कॉर्डिलेटर क्या हो सकता है अपोजिट साइड इक्वल या ऑल साइड्स आर इक्वल तो हमको देखना है कि स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं स्क्वायर तो आपको सबकी प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस वॉट एवर द वॉट एवर द क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसका निकालना पड़ेगा तो इसका कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ सेम अगर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है ये पॉइंट सी है ये पॉइंट डी है तो एक इमेजनरी कोर्डिलेटर बना लो ठीक है यह बन गया ए बी सी डी ठीक है ना अब आप क्या निकालो ए बी निकालो फिर बी सी निकालो फिर सी डी निकालो और डी ए निकाल लो बस इन सब की लेंथ निकाल के चेक कर लो अपोजिट साइड बराबर आ रही हैं या या ऑल साइड्स आर इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं अगर कुछ बनेगा तो ठीक है नहीं बनेगा तो मना कर देना तो निकालो पहले ए बी की लेंथ निकाल लो जल्दी फटाफट ए बी की वैल्यू ए बी की लेंथ तो ए बी कितना आ जाएगा जरा बताओ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेवन माइनस फोर सेवन माइनस फोर थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस सिक्स माइनस फाइव वन वन का स्क्वायर वन तो ये आ जाएगा रूट टेन। तो ए बी की वैल्यू तो आ रही है रूट टेन बी सी की वैल्यू निकालो जल्दी बताओ फोर माइनस सेवन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन तो ये आ गया नाइन प्लस थ्री माइनस सिक्स थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एटीन फिर सी डी निकाल लो सी डी निकाल लो फोर माइनस वन या वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ नाइन नाइन का स्क्वायर सॉरी थ्री का स्क्वायर नाइन और थ्री माइनस टू वन वन का स्क्वायर वन तो आ जाएगा रूट टेन फिर डी ए निकाल लो Earth, फिर डी ए निकाल लो तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ अब यहाँ पर भी हम ये बता पाएंगे कि यह हो सकता है या नहीं देखो अभी यहाँ पर यह रूट टेन रूट टेन आ गया अगर ये रूट एटीन रूट एटीन आ गया तो ये स्क्वायर हो सकता है नहीं ये स्क्वायर कभी नहीं हो सकता क्या यह पेलोग्राम हो सकता है हाँ क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है हाँ रेक्टेंगल भी हो सकता है चलो देखो तो डी ए निकालो जरा तो फोर माइनस वन थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस फाइव माइनस टू थ्री थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस नाइन तो ये अंडर रूट ऑफ एटीन हो गया भाई साहब यानी इसकी अपोजिट साइड बराबर हो रही है अब आप ये बता दो कि ये पेलोग्राम है या रेक्टेंगल है कैसे बताएंगे रेक्टेंगल है पेलोग्राम भी तो हो सकता है अरे अपोजिट साइड बराबर है ना तो अपोजिट साइड सर इक्वल पेलोग्राम रेक्टेंगल कैसे पता लगाएगा भाई रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़ेगा जरा बताओ डायगनस बराबर होना चाहिए गुड अगर रेक्टेंगल है तो डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल डायगनल्स आर इक्वल इसका मतलब आपको एसी और बी डी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी तो ए सी निकाल लो पहले फोर माइनस फोर अरे ए सी निकालो फोर माइनस फोर जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो थ्री माइनस फाइव टू तो ये आ जाएगा रूट टू तो एसी किसका हो जाएगा जीरो प्लस माइनस टू टू का स्क्वायर फोर तो यह ए सी की वैल्यू कितनी जाएगी टू बोलो हाँ है ना ए सी आ गया टू अब आप काम करो बी डी निकालो सेवन माइनस वन कितना आ गया सिक्स सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस सिक्स माइनस टू फोर का स्क्वायर सिक्सटीन तो ये डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फिफ्टी आ जाएगा ना इसका मतलब ये आ गया रूट फिफ्टी टू और टू कॉमन दोनों बराबर तो है नहीं इसका मतलब डायगनल आर नॉट इक्वल इज देन 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 अलोग्राम क्या होगा ये नॉट अ रेक्टेंगल वाई रेक्टेंगल नॉट बिकॉज इसकी डायगनल बराबर नहीं है ठीक है ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो ये आपके लिए होमवर्क है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है भाई अगला क्वेश्चन बोल रहा है बोल रहा है भाई फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब मुझे एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा निकालना है जो इक्वी डिस्टेंस होगा इस पॉइंट के और इस पॉइंट के मैंने मान लिया कि वो एक पॉइंट ये है एक्स एक्सिस पर तो इसकी वैल्यू कितनी हो कि जाएगी जरा बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं ये लेंथ कितनी होगी एक्स तो ये हो गया एक्स कॉमा एक्स कॉमा जीरो क्यों x एक्स पर x-अक्ष पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो तो ये पॉइंट है अब एक पॉइंट ये हो गया टू कॉमा फाइव माइनस का और एक पॉइंट है माइनस टू कॉमा नाइन तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा इक्वी डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे तो हम एक काम करते हैं हम मान लेते हैं लेट लेट द पॉइंट इज लेट द पॉइंट इज एक्स कॉमा जीरो लेट the पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा जीरो वाई एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जीरो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जीरो होने पर वो पॉइंट ए जो है वो क्या हो गया एक्स कॉमा जीरो बी की वैल्यू कितनी दे रखी जल्दी बताओ टू कॉमा माइनस फाइव और सी की वैल्यू कितनी मान ली है माइनस टू कॉमा नाइन ठीक है तो ए बी भी बराबर है मतलब एक्स एक्स एस गिवन क्या है ए बी इज इक्वल टू एसी ये गिवन है तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और AC का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ए बी जल्दी बताओ एक्स माइनस टू x माइनस टू का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस फाइव तो प्लस फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी किसके बराबर हो जाएगा जरा बताओ अंडर रूट ऑफ एसी एसी की वैल्यू निकालो जल्दी बताओ x माइनस माइनस टू तो x प्लस टू तो आ जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस नाइन माइनस नाइन का स्क्वायर एटी वन तो ये कितना एटी वन अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हट जाएगा रूट स्क्वायर से रूट हेड कैंसिल स्क्वायर से रूट कैंसिल बचा कितना एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस एटी वन बस इसको सॉल्व करना है और इससे एक्स की वैल्यू हंड्रेड परसेंट आ जाएगी हंड्रेड परसेंट कैसे देखो खोलो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस ट्वेंटी फाइव कैसे ए कितना था एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी कितना था टू टू का स्क्वायर फोर माइनस टू फॉर्मूले का बी और ए टू ए बी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस एटी वन तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू टू जा फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स प्लस एटी वन ठीक है तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल क्यों दोनों तरफ इक्वल के सेम साइन है कैंसिल हो जाते हैं ये प्लस फोर ये माइनस फोर तो ये माइनस फोर इधर जाएगा एट्टी वन इधर आएगा फोर इधर आएगा तो आ जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस फोर माइनस फोर ये फोर इधर आया माइनस फोर और माइनस का एट्टी वन इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फोर एक्स क्यों देखो ये फोर इधर गया माइनस फोर भी इधर गया सॉरी फोर इधर ही रहा माइनस फोर इधर गया ट्वेंटी फाइव तो प्लस फोर ट्वेंटी फाइव और यह फोर प्लस का इधर आया तो माइनस का और यह एटी वन इधर आया तो माइनस का अब देखो फोर से फोर कैंसिल प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यह आ गया ट्वेंटी फाइव माइनस ऑफ एटी वन बराबर फोर प्लस फोर एट एक्स ट्वेंटी फाइव में से एटी वन माइनस होगा तो कितना बचेगा जरा बताओ एटी फाइव माइनस ट्वेंटी वन कितना हो गया ग्यारह में से पांच गए तो कितना बचा और 7 में से टू जाएगा तो कितना बचेगा? जल्दी बताओ। सिक्स वो भी माइनस का तो आंसर आएगा माइनस ऑफ फिफ्टी सिक्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस फिफ्टी सिक्स अपॉन एट 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 सेवन 7 फिफ्टी सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ सेवन यानी यानी एक्स एक्सिस पर माइनस सेवन कॉमा जीरो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों पॉइंट ये दोनों पॉइंट उससे क्या है इक्वी डिस्टेंस पॉइंट और ये पॉइंट सेवन माइनस सेवन कॉमा जीरो पर माइनस सेवन कॉमा जीरो से इक्वी डिस्टेंस अगला क्वेश्चन होमवर्क और उसके अगला क्वेश्चन भी होमवर्क इसको आपको ट्राई करना है अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है शो दैट पॉइंट ए बी और सी क्या बनाएंगे एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है डिस्टेंस फार्मूला से ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू लाकर क्या लगाना है इक्वेट कर देना है और ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको दे दिया है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज इतना एंड इट पासिस थ्रू अ पॉइंट माइनस थ्री कॉमा माइनस वन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ट्वेंटी यूनिट फाइंड द अल्फा अल्फा निकालना है मतलब सेंटर का आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है और ये एक पॉइंट से पास करता उसके है उसके कोऑर्डिनेट दे रखें डायमीटर की लेंथ ऑलरेडी दे रखी है ट्वेंटी यूनिट्स आपको अल्फा की वैल्यू निकालना थोड़ा सा दिमाग लगेगा और क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट सॉल्व हो जाएगा ट्राई करिएगा घर पे ठीक है आज के लिए इतना ही